हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉगिन कैसे करते हैं और क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं। राइट, वेरी सिंपल। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्ले स्टोर में से माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड करना है। राइट, सो फर्स्ट हम गए माइक्रोसॉफ्ट टीम में, वहाँ पे लिखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट टीम। राइट, क्या आना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट टीम। उसके बाद ये आइकन आना चाहिए, उसमें हम प्रेस करेंगे। राइट, तो देखते हैं, देखो। राइट, देन यू हैव टू डाउनलोड और अपडेट करना। मेरे इसमें ऑलरेडी इट इज डाउनलोडेड, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग अपडेटेड। राइट, क्या करना है उसमें? आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद डाउनलोड जैसे ही आप करते हैं, याद रखना है, बी केयरफुल। क्या याद रखना है? जस्ट सी हियर, ऑलरेडी इफ यू आर लॉग इन, अगर आप पहले से लॉग इन है तो पहले आपको लॉग आउट करना है। क्या करना पड़ेगा? लॉग आउट करना पड़ेगा। देन यू शुड गेट दिस वन, क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। देन यू विल राइट योर आईडी विथ अ गिवन एज यू डायस नंबर, रिमेंबर वेरी केयरफुली। ओके, अभी लॉगिन कैसे करना है दैट यू सी। राइट, अगर लॉगिन में आप कुछ भी कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। लॉगिन कैसे करना है दैट यू सी हियर। राइट, सी लॉगिन कैसे करोगे? आपको डालना है यूडाइज नंबर यहाँ पे। क्या करना है यहाँ पे? आपको 18 डिजिट यू डायस नंबर डालना है। राइट, उसके बाद एट द रेट vmc.gugccom। राइट, सबके लिए सेकेंड पार्ट कॉमन है, लेकिन फर्स्ट पार्ट 18 डिजिट यू डायस नंबर सबका अलग है। सो राइट, इससे ये आपकी आईडी बनेगी। क्लियर, उसके बाद राइट कहाँ पे आ जाना है? ये आपको यूजर नेम में डालना है, 18 डिजिट का आपका यूडाइज नंबर .@vmc.gugccom, ये आपकी यूज़र आईडी होगी। राइट, 18 डिजिट योर यूडाइज नंबर, सेकेंड में जो कॉमन है @vmc.gugccom। क्लियर, एंड लिसन अगेन, आई एम रिपीटिंग, अगर आप पहले से ही लॉग इन है दूसरी आईडी से तो लॉग आउट करके लॉग इन करना है और ये आईडी डालना है। इसके बाद क्या करना है? साइन इन करना है। साइन इन के बाद सी ये जो पहला मैंने दिया है उससे ये दो चीज़ हो सकती है, साइन इन आएगा या तो लॉग आउट आएगा। अगर दूसरी आईडी से तो क्या करना है? लॉग आउट करना है। अगर आपका लॉग इन नहीं हुआ है तो इससे 18 डिजिट यूडाइज नंबर से लॉगिन करना है। राइट, जैसे ही आपका लॉगिन हो जाता है तो क्या आएगा? सी डायरेक्टली आपको लॉगिन हो जाएगा, आपका नेम भी आएगा और सी राइट क्या क्या दिखेगा यहाँ पे? नीचे एक्टिविटी चैट, यहाँ पे टीम दिखेगा, यहाँ पे असाइनमेंट दिखेगा, यहाँ पे कैलेंडर दिखेगा। राइट, आपको मेनली जाना है कैलेंडर में। कहाँ पे जाना है? ये कैलेंडर है, इसके बाद यहाँ पे मोर है, और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप कैलेंडर में क्लिक करते हो आपको दिखाई देगा टुडे, टुमारो, और कहीं पे भी किसी टीचर ने क्लास का शेड्यूल किया है वो आपको यहाँ पर पूरा दिख जाएगा। राइट, अगर देखें आज का देखें या दैट 10th अक्टूबर,
टीचर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा, यहाँ पे टाइम लिखा होगा, राइट? वहाँ ये दिख रहा है, टाइम देख रहा है, देन यू हैव टू कहाँ पे क्लिक करना है, सिर्फ डायरेक्टली ज्वाइनिंग में क्लिक करना है। जैसे ही ज्वाइनिंग में आप क्लिक करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो, देख लेते हैं, राइट? अभी हम पहुँच रहे माइक्रोसॉफ्ट टीम, राइट? ये क्लिक किया है तो क्या आएगा, राइट? ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्टिविटी, दूसरा है चैट, टीम, असाइनमेंट एंड कैलेंडर। आपको कहाँ जाना है, कैलेंडर में जाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जिस टीचर का है ज्वाइनिंग वहाँ पे ज्वाइनिंग करना है। ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, देखो, राइट? यहाँ पे नीचे क्या दिखेगा आपको, ज्वाइन नाउ, ज्वाइन नाउ में जाना है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, राइट, सी, एक और दूसरा देख, यहाँ से आप आपका वीडियो ऑन और ऑफ कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है देन यू कैन आपका वीडियो ऑन कर सकते हो। अगर टीचर पढ़ा रहे तो ये दोनों चीज़ ऑफ रखनी है, आपका वीडियो भी ऑफ रहेगा और ऑडियो भी ऑफ करना है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखो, डिवाइस, अगर आवाज़ कम आ रही है तो क्या करना है, स्पीकर करना है, जैसे हम कॉल करते हैं, ये इनबिल्ट जो कान पे रखना पड़ेगा आपको, स्पीकर होगा तो ज़ोर से आवाज़ आएगी। तो किसको क्लिक करना है, स्पीकर में क्लिक करना है, राइट? उसके बाद ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन होगा, एक और चीज़ देख लेते हैं हम। अगर आप यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर या लैपटॉप, तब क्या करना है, तब भी आपको वेरी सिंपल, सीधा ब्राउज़र में जाना है और क्या लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम लिखना है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट इंटरफेस आएगा ये वाला, अगेन सेम। आपको अगर साइन इन, आप ऑलरेडी लॉग इन नहीं है तो ये आएगा, ऑलरेडी आप साइन इन है तो आपको लॉग आउट करना है पुराने आईडी में से, राइट? फिर क्या करना है, साइन इन करना है इसमें जाकर, अगेन फिर साइन इन क्या है, 18 डिजिट योर यूडाइज नंबर एंड देन एट द रेट vmc.gog.cc.com, यहाँ से साइन इन करना है। और पासवर्ड, पासवर्ड सबका कॉमन है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कूल एट द रेट 1 2 3, ये पासवर्ड में डालना है, क्लियर, राइट? अगेन ये आ जाएगा आपका साइन इन में, आपको आईडी डालना है, ये जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद पासवर्ड डालना है, राइट? फिर आपका यहाँ पे टीम में जाओगे तो आपका नेम दिखाएगा वहाँ पे, क्या होगा, टीम में, राइट? और दूसरा कन्फ्यूज़न है, बच्चे बहुत सारे मांग रहे हैं, सर लिंक भेजो, लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे कहाँ पे जाना है आपको, ये कैलेंडर में जाना है, कैलेंडर में जिस टीचर ने शेड्यूल किया है वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाएगा, टाइम पे आप जैसे हुआ टाइम शेड्यूल का, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 10 to 10:20, तो यहाँ पे ज्वाइन करना है, लिंक की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़, एज अ गेस्ट ज्वाइन नहीं करना है, राइट? एज अ गेस्ट ज्वाइन नहीं करना है, अलाउ नहीं करेंगे हम लोग, सो डायरेक्टली इससे ही लॉग इन करना है और फिर करना है। नाउ इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पहले आपके फ्रेंड को कॉल करो, क्योंकि बहुत सारे का लॉग इन हो गया है, काम कर रहा है, और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं लॉग इन हो रहा है, देन कॉल टीचर और मुझे करो कॉल, क्लियर? बाय बाय, सी यू।